तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको माइनक्राफ्ट वर्जन 19 के लिए देने वाला हूँ बेस्ट सीरीज, जिसको यूज करके आप लोग स्पीड रन या अपना सर्वाइवल भी शुरू कर सकते हो। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस यार वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको आपने आज तक इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो वीडियो एंड तक देखना। तो यार गाइस, जैसे आप सीट को एंटर करोगे, आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे एंड आपके सामने आपको मिल जाएगा विलेज, एंड उसी के पास में आपको मिल जाएगी ही वाली बायोम, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एंड इसी के अंदर आपको मिल जाएगी 2-3 विलेजर्स के घर, एंड ये विलेज काफी ज्यादा बड़ा है। एंड इसी के साइड में आपको मिल जाएगा बहुत बड़ा वाला ओशन, एंड इस विलेज के अंदर आपको मिल जाएंगे 2 ब्लैक स्मिथ। तो चलो यार, सबसे पहले ना मैं आपको एक एक करके ब्लैक स्मिथ की लूट दिखाऊंगा। तो यार हमारा पहला ब्लैक स्मिथ, एंड इसकी चेस्ट के अंदर देखते हैं कि हमको कितनी ज्यादा ओपी वाली लूट मिलेगी। एंड इसकी चेस्ट के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया लूट है जिसको आप लूट सकते हो। एंड हियर हमारे सेकंड ब्लैक स्मिथ का घर, तो चलो यार इसकी लूट देखते हैं। इसका डोर तो पहले से ओपन था, कहीं चोरी ना हो जाए। तो इसके अंदर भी आपको ये सारी लूट मिल जाएगी जिसको आप लूट सकते हो। एंड उसके बाद आपको विलेज के अंदर आ जाना है, एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको डिग करना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे स्केलेटन स्पॉनर के पास, जहाँ से आप अपना एक्सपी फार्म या बोनल फार्म भी बना सकते हो। एंड उसी के पास में आपको मिल जाएगी 2 चेस्ट। तो ये रही पहले चेस्ट की लूट, एंड ये रही सेकंड चेस्ट की लूट जिसको आप लूट सकते हो। एंड उसके बाद फिर से विलेज के अंदर आ जाना है, एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको डिग करना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, जहाँ से आप एंटर ड्रैगन को भी मार सकते हो। एंड जब भी आप उसको मारोगे तो बोलना मिडलो भाई ने सीट दी थी। एंड उसके बाद फिर से आपको विलेज के इन कोऑर्डिनेट्स पे मिल जाएगा स्पाइडर स्पॉनर, जिसका आप अपने एक्सपी फार्म भी बना सकते हो। एंड उसी के पास में आपको मिल जाएगी चेस्ट जिसके अंदर काफी ज्यादा बढ़िया लूट है जिसको आप लूट सकते हो। एंड उसके बाद फिर से आपको विलेज के अंदर आ जाना है, एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा ओशन मॉन्यूमेंट जिसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर से आपको विलेज के अंदर आ जाना है, एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको डिग करना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे माइंड शाफ्ट के अंदर, एंड इस विलेज के अंदर आपको मिल जाएगी एक माइंड शाफ्ट जिसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। एंड उसी के पास में आपको इस केव के अंदर मिल जाएगी डायमंड्स ओर जिसको आप फाइंड कर सकते हो। एंड गाइस लिटरली बता रहा हूं मैं, इस केव के अंदर बहुत ही सारे डायमंड्स ओर है जिनको आप फाइंड कर सकते हो। आपको मैं लोकेशन नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बट हाँ आप इसको फाइंड कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर से आपको विलेज के अंदर आ जाना है, एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको डिग करना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्पाइडर स्पॉनर, एंड उसी के पास में आपको मिल जाएगी 2 चेस्ट। तो ये रही पहले चेस्ट की लूट, एंड ये रही सेकंड चेस्ट की लूट जिसको आप लूट सकते हो, एंड आप अपने स्पाइडर फार्म का एक्सपी फार्म भी बना सकते हो। गाइस उसके बाद फिर से आपको विलेज के अंदर आ जाना है, एंड सेकंड ब्लैकस्मिथ के घर के पीछे आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे बना देना है नेदर पोर्टल। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे तो आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे, एंड इसी के पास से आपको इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेदर बैशन जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड उसी के पास में आपको मिल जाएगा गोल्ड जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। पता नहीं सुअर इतने पागल कैसे कि सारा का सारा गोल्ड इन्होंने बाहर पे रख दिया। एंड उसके बाद नेदर बैशन के पास से आपको इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है। तो आप सीधा पहुंच जाओगे नेदर फोर्ट्रेस के पास, जहाँ से आप अपने लिए ब्लेज रॉड भी कलेक्ट कर सकते हो, एंड आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला बिल्ड भी कर सकते हो। आप ही देखो एक बार कितना ज्यादा खतरनाक वाला व्यू है यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर से विलेज के पास में आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी शिपरैक जिसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। एंड गाइस उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बरीन ट्रेजर जिसके अंदर काफी ज्यादा ओपी वाली लूट है जिसको आप लूट सकते हो। एंड गाइस बरीन ट्रेजर के पास में आपको ये वाली बायोम मिल जाएगी। आपको पता होगा कि इसके अंदर एक विच रहती है, पता नहीं उमन कैसे रहती है इस जंगल के अंदर। एंड इसी के पास में आपको मिल जाएगी विच हंट जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इसी के पास में आपको मिल जाएगी एक विच जिसको मैंने इतना मारा तब भी हंस रही थी, पता है क्यों। एंड गाइस उसके बाद फिर से आपको विलेज के अंदर आ जाना है, एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट इसके अंदर आपको मिल जाएगी एक चेस्ट जिसके अंदर काफी ज्यादा बढ़िया लूट है जिसको आप लूट सकते हो। एंड उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी पिलेजर आउटपोस्ट जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वुडलैंड मेंशन जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड सीड के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो बात कुछ ऐसी करनी है कि इसी वुडलैंड मेंशन के अंदर आपको मिल जाएगा स्टैचू ऑफ चिकन, जो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, एंड मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रेयर चीज है जिसको आपको भी देखना चाहिए। सो आप इस सीड को जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर भी एक बार आ जाना। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।